बिसम लाकमान सो एज वी आर डिस्कसिंग डेरिवेटिव्स हम एक आज एक स्ट्रेटजी डिस्कस करने लगे हैं डेरिवेटिव्स में जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होती है लेकिन इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे इसका लॉजिक देन इट्स वेरी सिम्प्लीफाइड सो कैप फ्लोर एंड कॉलर एक कॉलर कोई शर्ट के कॉलर की बात नहीं हम कह रहे वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्ट्रेटजी जिसके थ्रू हम अपने आप को हेज आउट कर रहे हैं विद मिनिमम कॉस्ट To work it out interest rate collar interest rate रेट कॉलर an investment strategy that use derivatives to hedge an investor's exposure to interest rates fluctuation इसकी मैं थोड़ी सी आपको ना बैकग्राउंड समझा देता हूँ और आपको की कॉन्सेप्ट आता हूँ देन इट विल बी simplified इफ वी गो थ्रू द text. सिचुएशन क्या है कि हमने एक फ्लोटिंग रेट लोन लिया हुआ है या फ्लोटिंग रेट लोन हम ले रहे हैं अब इसमें आप लोग बताएं हमें रिस्क क्या है सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है जब वो बढ़ेगा तो फिर हमें बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी और हम बात कर रहे हैं मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन्स की बात करें तो अगर इवन पॉइंट फाइव परसेंट भी बढ़ता है तो हमें पे काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकता है फेवरेबल बात कब हो सकती है जब ये हमारा रेट बहुत नीचे चला जाए सो वी विल बी हैप्पी कि जी रेट्स नीचे जा रहे हैं एंड वी कैन वर्क एंड गो विद द स्ट्रक्चर तो अब जो मेन रिस्क है वो क्या है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का अब कंपनी जब बोरो कर रही है इतनी हैवी अमाउंट तो अगर वो बोरो करती है प्लस फिर इसको हैज करने के लिए और ख़र्चा करती है तो इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम सो देन व्हाट वी स्ट्रेटजाई इज किसी स्ट्रैटी बनाते हैं कि हम कहते हैं कि आप हेजिंग इस तरह की करें कि जिसमें कॉस्ट भी थोड़ी कम आए फॉर सिंपलिसिटी आपको लग रहा है कि हमें इंटरेस्ट रेट्स ने इस वक़त है सेवन परसेंट तो आपका ख्याल है कि अगर एट परसेंट तक भी चले जाएं तो इट्स फाइन हमें कोई बहुत ज़्यादा डेंट नहीं पड़ेगा वी कैन स्टे सेफ एज पर आर फोरकास्ट तो आप क्या करते हैं एट परसेंट पे अपने आप को लॉक करें किसी तरह उसको हम कहते हैं कि यू बाय कैप फॉर दैट कैप से क्या होगा अगर रेट इससे ऊपर जाएगा तो आप बैंक को तो ज़्यादा रोड इंटरेस्ट देंगे लेकिन ये जिससे आपने ऑप्शन ली होगी वो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दे देगा तो सपोज रेट हो गया 8.75 तो यू विल पे बैंक 8.75 ऑप्शन होल्डर आपको 0.75 दे देगा तो आप अपने आप को लॉक कर लेंगे 8 पे जो जो भी बढ़ेगा वो वहाँ से आ जाएगा तो हमें मैक्सिमम पड़ेगा 8 लेकिन इसके लिए डेफिनेटली दे विल बी चार्जिंग ऐसा प्रीमियम तो हम कहते हैं अच्छा ये प्रीमियम चलो पे करना है इसको भी हम कुछ इसका मैकेनिज़म करते हैं हमने कहा था कि इस वक्त सात है कहता है इसके नीचे जाए गुड अच्छी बात है नीचे जाए अगर छः तक भी चला जाए तो इट्स वेरी गुड इससे नीचे जाने का हमारा ख्याल है कि चांसेस भी कम है और छ तक हम वैसे भी इजीली अफोर्ड कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि छः से नीचे वाला जो है ना उस रेट की हम फ्लोर एक अपनी लिख के सेल कर देते हैं यानी कि वी राइट अ फ्लोर उसमें क्या होगा कि वी आर लिमिटिंग आर सेल्फ टू सिक्स अगर इन केस रेट बैंक इससे नीचे चला जाएगा फाइव पर चला जाएगा तो हम बैंक को फाइव दे रहे होंगे और जिसको हमने ऑप्शन लिखी हुई है वन परसेंट हम उसको देंगे यानी कि हमारे लिए इफेक्टिवली लॉक रेट मिनिमम सिक्स ही होगा नीचे जाने से हमें फ़ायदा नहीं होगा फ़ायदा क्या होगा कि इसको दे के अभी हमें पैसे मिल जाएंगे सो वील गेट द प्रीमियम राइट वे ये प्रीमियम लेके आप वो अपनी कैप का प्रीमियम पे कर दें तो हो सकता है ये ज़ीरो कॉस्ट कॉलर ही बन जाए यानी कि ज़ीरो कॉस्ट में मतलब जितने पैसे का वहाँ से आए उतने ही पैसों की आपको मिल गई तो रेंज क्या बन गई आपकी सिक्स टू एट एट से ऊपर नहीं आप जाएंगे सिक्स से नीचे नहीं जाएंगे वैसे जर्नली तो आप जितना इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा आपको फायदा होना था लेकिन क्योंकि आपने फ्लोर राइड कर दी हुई है तो इसलिए आपको उससे नीचे नहीं जाएगा तो ये इसकी बड़ी पिक्चर है इस माइंड फ्रेम में अब हम इस स्लाइड्स को देखें देन यू कैन गेट अ कंप्लीट लुक आउट ऑफ इट टाइप ऑफ कॉलर इज इंटरस्ट रेड कॉलर इंटरेस्टेड कॉल इन्वॉल्व साइमलटेनियस परचेज ऑफ इंटरेस्ट रेट कैप जिसकी आप अपर एंड की बात करें एंड सेल ऑफ एन इंटरेस्ट रेट फ्लोर ऑन द सेम इंडेक्स सेम जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर आप ये अपनी स्ट्रक्चर को कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट कैप एंड फ्लोर इंटरेस्टेड कैप इज अ प्रोविजन ऑफ वेरिएबल रेट दैट इंस्ट्रूमेंट दैट हैज इंटरेस्ट रेट सीलिंग ऑन इंटरस्ट रेट मैक्सिमम हमने इतना ही पे करना है इससे ऊपर हम पे नहीं करेंगे और दूसरी पार्टी हमें पे कर रही होगी स्ट्राइक प्राइस और स्ट्राइक रेट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट पे बल्कि परचेजर ने मैक्सिमम कितना पे करना है ये उस रेट में वहाँ डिटर्मिन हो जाता है और फ्लोर एज इट्स नेम्स है कैप अपर साइड को कहते हैं फ्लोर नीचे बॉटम को तो फ्लोर है कि मिनिमम हमने इतना भी हो उतना तो पे करना ही पड़ना पड़ेगा उससे एक्स्ट्रा अगर नीचे जाएगा तो वी विल बी पेइंग टू द पार्टी इट रिड्यूज द रिस्क टू पार्टी रिसिविंग इंटरेस्ट पेमेंट सिंस द कोपॉन पेमेंट यूच विल नोट बी नो लेस देन अ सर्टन फ्लोर तो ये आप रिसीवर भी जो है वो इन्वेस्टर भी अपने आप को कर सकता है कि मुझे मिनिमम इतने पैसे तो फिर मिलेंगे ही मिलेंगे या मुझे मैक्सिमम पेमेंट जो है वो कितनी होगी तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ अगर बॉर्वर है उसके लिए भी जो डिपॉजिटर्स हैं वो भी इस स्ट्रक्चर से फ़ायदा ले सकते हैं विद इंटरस्ट रेट कॉलर इन्वेस्टर परचेज इंटरेस्ट रेट सीलिंग विच इज फंडेड बाय प्रीमियम रिसीव बॉ सेलिंग तो फ्लोर बेची उससे जो पैसे आए उससे हमने कैप्स खरीद ली तो so, हम अपने आप को हैज कर दिया हम अपनी उस ब्रैकेट में सेफ हो गए रिमेंबर दे इज एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट का और बॉन्ड्स का रिलेशन ऑब्वियसली इन्वर्स है इंटरस्ट प्राइस बढ़ती है तो बॉन्ड्स की वैल्यू गिर जाती है इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो बॉन्ड बढ़ जाते हैं तो वो उस कॉन्टेक्स में इंटरेस्ट रेट्स जो कॉलर्स हैं वो बॉन्ड होल्डर्स को भी हेल्प आउट कर सकते हैं इन देयर स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव और बायर ऑफ इंटरेस्ट रेट कॉलर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से हम अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहते हैं ऑल्सो इंटरेस्ट रेड फ्लोर लिमिट्स द पोटेंशियल अप्रिसिएशन ऑफ बॉन्ड गिवन अ डिक्रीज इन रेट इट प्रोवाइड अप फ्रंट कैश जो बॉन्ड होल्डर है वो उसके साथ वो एडवांटेज ले सकता है कि उसकी अपसाइड तो रिस्ट्रिक्ट करेगी लेकिन उसको प्रीमियम इमिजिएटली मिल गया कि यू गेट द मनी राइट अवे सो दैट्स व द राइटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यू गेट द प्रीमियम लेट्स ए इन्वेस्टर एंटर इंटू अलर परचेजिंग अलिंग विद द स्ट्राइक प्राइस ऑफ टेन परसेंट सीलिंग उसने कर दी टेन पे इसका मतलब है जितना भी बढ़ जाए हमने टेन ही देना है एंड सेल्स ऑफ फ्लोर एट एट अगेन फ्लोर एट एट मीन इफ रेट गोज टू एनी लेवल वील बी बेयरिंग एट हमें बेशक इंटरेस्ट रेट याद करते हैं जी टू परसेंट हो गया तो बैंक को तो टू परसेंट देना है लेकिन छः परसेंट ये दूसरी पार्टी को देना पड़ेगा जिससे आपने फ्लोर लिख के दिए तो आपको कॉस्ट पड़ गई नेट एट ही वेन इंटरेस्ट रेट इज अबव टेन इन्वेस्टर विल रिसीव पेमेंट दस से बढ़ जाएगा तो वो जो हमारी ऑप्शन है वो हमें पे करेगा अगर वो एट से बिलो हो जाएगा तो वी विल बी पेइंग तो अगर वो उसमें जब लेट से इट्स बियॉन्ड द फ्लोर देन वी विल बी पेइंग दैट तो अफेक्टिवली हमें कॉस्ट पड़ जाएगी फिर आठ

फ़ायदा होगा नीचे वाली ऑप्शन तो रहेगी लेकिन आपको प्रीमियम अभी खुद अपने पास से देना पड़ेगा एक तो अपने लोन्स पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और कॉल ऑप्शन की प्राइस भी पे करनी पड़ेगी तो कॉलर की ब्यूटी क्या करती है कि वो आपको खर्चे अपने पास से नहीं करना पड़ता वो आपका स्पॉन्सर हो जाता है फ्लोर्स की राइट करने से इट इन्वॉल्व आई मेरियसली परचेज ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्लो एंड सेल्स तो वो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एलिमेंट बोथ आप अगर इन्वेस्टर हैं।, हैं तब भी आप ये स्ट्रक्चर कर सकते हैं आप बॉर्वर हैं तब भी आप ये स्ट्रक्चर कर सकते हैं द लॉन्ग फ्लोर रिसीव अ पेमेंट वैन इंटरेस्ट रेट फॉल्स बिलो द फ्लोर एक्सरसाइज प्राइज द शॉर्ट कैप मेक्स पेमेंट वैन द इंटरेस्ट रेट रेटीव द कैप सो द पेमेंट स्ट्रक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जब आप उस उसके आपके पैरामीटर्स से रेंज से बाहर होगा इफ रेट्स गोज अप यू विल बी गेटिंग मनी इफ़ यू आर अ बॉरवर If you are a lender, then the case will be other ways now. Tiko thank you.